घुमावदार मोड़ पर पटरियां बदलती ट्रेन जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल होने लगती है, यात्री अपनी सीटें छोड़कर सामान उतारने की फिक्र करने लगते हैं। जवान और फुर्तीले लोग गेट पर आ जाएंगे, इन्हें किसी के मदद की दरकार नहीं होती, खुद ही काफी हैं। लेकिन दूसरे यात्रियों के स्वागत के लिए प्लेटफॉर्म पर कूलियों की टोली तैयार दिख जाएगी, जो पहियों के थमने से पहले ही बोगी में दाखिल होने लगते हैं। अभी कायदे से उतरे भी नहीं कि मोल भाव चालू हो जाता है। भीतर उतरने के लिए कतार में लगे यात्री और बाहर चढ़ने को तैयार कूलियों की फौज। इस फिराक में धक्का मुक्की या किचकिच आए दिन की बात है। किसी ने सख्ती से रोका तो रुक गए, लेकिन कब तक? जो भीतर नहीं गए प्लेटफॉर्म से ही ग्राहकों के लिए हाक लगाने लगते हैं। अगर आपके पास सामान हो तो प्लेटफॉर्म पर आप इन कुलियों के रहमो करम पर हैं। बताने की जरूरत नहीं कि कुलियों की पहली पसंद एसी से उतरने वाले यात्री होते हैं। अभी कितना ले रहे हो? 200। आप तो जायज सही से बताइए, हम बता रहे हैं हर जगह का कुली का अलग अलग रेट होता है। लेकिन ये कुली तो कैमरा पहचानता है, लिहाजा मोल भाव पर तैयार ही नहीं हुआ। पर ज्यादातर मामलों में होता वही है जो कुली चाहते हैं। लंदन से लौटे सुखदेव से पूछिए कुलियों ने कितना दुखी कर रखा है। जो मांगेंगे हमें देना पड़ेगा इनको, पहले भी ऐसे ही होता है, एक दो बार पहले भी आए हैं, ऐसे ही मांगते हैं वो। हकीकत तो यही है कि हर स्टेशन पर पार्किंग से प्लेटफॉर्म के बीच सिर्फ कुलियों की ही चलती है। यहाँ आने वाले शख्स को जाना होता है, सिवाय भीड़ में लाल पोशाक में घुले मिले कुलियों को छोड़कर। अकेले देख लेते हैं अगर तो 200 रुपए से नीचे बात नहीं करेंगे। कोई बार्गेनिंग नहीं होती है यहाँ पे, जो उनका मन है वो हमें देना पड़ेगा। इन कुलियों का आपस में पूरा सिंडिकेट बना हुआ, पूरा गैंग का ये सिंडिकेट का ये सब एक ग्रुप है इनका, ये एक दूसरे को इशारा कर दे कोई नहीं हाथ उठाएगा। अगर लंबी दूरी के यात्री होंगे तो सामान होगा, और सामान होगा तो उन्हें ढोने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं कि हर कोई अपने सामान का वजन खुद उठा सके। राजधानी से उतरी इस महिला के साथ सामान के अलावा छोटा बच्चा भी है। कुली करना नहीं चाहती लेकिन मजबूरी है तो कुली ही मददगार है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकने के बाद और खुलने के पहले सिर्फ इन कुलियों की ही चलती है। ये देखिए, सामान उठाने की हरी झंडी मिली भी नहीं कि कुली सवार हो गए। इनके लिए बुजुर्ग का मतलब मोटा और मजबूर आसामी होता है, आओगे नहीं तो जाओगे कहाँ। सामान थोड़ा ज्यादा दिखे, दो आदमी दिखे तो कुछ भी बोलना। 300 रुपए में देता तुम गाड़ी। देखो गाड़ी में टाइम बहुत है आपकी। अच्छा तो तुमको काम हो रहा है, लेट भी हो सकता है गाड़ी। अच्छे से गाड़ी बैठने काम करिए, लेट भी हो सकती है तो गाड़ी हम लगा के पैसे दे। 150 रुपए दे दो, खुद के सामने रख दो। अगर गाड़ी राइट टाइम है तो तुम आ जाना और सामान रखने के लिए। आपने किसी एक कुली से मोल भाव शुरू कर दिया तो मामला पटे या नहीं, सामने वाला कुली अपनी जगह से हटेगा नहीं, और जब तक एक कुली मौजूद होगा दूसरा आपके पास नहीं फटकेगा, अगर आएगा भी तो बिचौलिया बनकर। भाई सुनो सुनो सुन तो लो, ड्यूटी ऑफ है। हाँ नहीं यार, इस सामान का बोलो 300 रुपया बोल रहा है जाने का, चलोगे तुम? कौन सी गाड़ी है? सिरसा एक्सप्रेस 6 नंबर। तो तुम चल लो ना, हमारा तो ड्यूटी ऑफ हो गया, बस कमरे पे चल दिया हम। अलग अलग कुछ कम कर ले, 300 काम कम कर। बिहार के दरभंगा से आई बिहार संपर्क क्रांति से ये महिला 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरी। पास वाले अजमेरी गेट साइड जाना है, कुली की मांगी कीमत हजम नहीं हुई तो पूरा परिवार खुद सामान ढोने में जुट गया। कितना मांग रहे थे? 450 रुपये चाहिए सामान ले जाने, अजमेरी गेट ले जाने के। सामान का फिर कैसे मांग रहे थे? हाँ उसका फिर मैं मना किया हूँ कि पहले सामान नीचे कर देते हैं। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें पता है कि कुलियों को कैसे हैंडल करना है। तो
यहाँ तो जवानी के जोश ने मजबूर नहीं होने दिया, लेकिन कई बार बुजुर्ग भी कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकते। बिना कुछ सुने और मोल भाव किए बुजुर्ग बैग लटका कर निकल लिए, पर कहीं परिवार और सामान दोनों साथ हैं तो कुली आपके घुटने से आंसू निकाल सकते हैं। किचकिच का क्या, वो तो अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है। कुली तय पैसे से ज्यादा काट रहा था, नहीं आप वही कैमरे की नजर में आ गया। क्या क्या रहता है बार्गेन करने को लेके, क्या रेट? बार्गेनिंग ये होती है कि बोलते कुछ है करते कुछ है, दैट्स ऑल। तो मैडम खुला दे दो फिर आप। मेरे पास होगा तब। मेरे पास 10 का मैं मेरे बोल रही थी। अभी कितने बात हुई थी जो अभी 10 रुपए देके जा रहे? अभी 80 में बात हुई थी, अब ये 90 खींच रहे हैं। लेकिन जैसे ही मजबूरी बढ़ती है कुली उसका फायदा उठाने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि मरीजों के लिए मौजूद व्हीलचेयर की धुलाई में भी रियायत की उम्मीद बेमानी है। इसके कितने पैसे? इसके कितने पैसे? 55 रुपए। कितने रुपए लिए? 200 रुपए लिया। 200 रुपए लिया। 200? अभी 55 बोल रहे तुम? इसी फीस है ना? फीस 55 है। हाँ। तो 200 रुपए क्यों? 200 रुपए लेने का कोई दुख है? नहीं नहीं। तो गलती है ना ये? अगली बार से नहीं होगी ना? नहीं होगा। नहीं होगा। स्टेशन पर जगह जगह कुली के रेट लगे हैं, उसके मुताबिक अगर देखें तो 40 किलो तक का वज़न अगर कुली उठाता है तो उसके लिए एक फेरे की कीमत आती है 40 रुपये। अगर 200 किलो तक का वज़न दो पहिए वाले ठेले पर अगर एक कुली ले जाता है तो 65 रुपया, वहीं 200 किलो से अधिक वज़न अगर दो पहिए वाले ठेले पर अगर दो कुली ले जाता है तो उसके लिए कीमत मुकर्रर है 95 रुपया। बीमार यात्री को अगर व्हील चेयर पर ले जाता है तो उसके लिए 55 रुपया। वहीं स्ट्रेचर पर अगर बीमार यात्री को ले जाता है तो 85 रुपया। ये कुली की रेट लिस्ट हर जगह टंगी होती है स्टेशनों पर, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और जैसा हाल यहाँ भी है। यात्रियों के लिए शिकायत का रास्ता खुला है, पर ज़्यादातर कुली अपना बिल्ला जानबूझकर कुछ ऐसे लगाते हैं कि नजर ही नहीं आए। और कभी कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो मत भूलिए एकता में ताकत है। हालांकि नए बदलाव इनकी कमाई की राह में कांटे बो रहे हैं। एक तो एस्केलेटर ने पहले ही यात्रियों की राह आसान बना दी है, ऊपर से स्टेशन पर आई इन ट्रॉलियों के चक्के कुलियों को अपने सीने पर चलते महसूस होते हैं। अगर हर कोई इतनी ठसक से अपने सामान लाद कर चलता बना तो फिर इनके धंधे का क्या होगा? कुली, किचकिच और कमाई, जानकार हैं तो जंग जीत लेंगे और जेब कम कटेगी, वरना मोल भाव समय पर महंगी पड़ेगी। सामान के साथ हैं तो या तो फिर समय की परवाह मत कीजिए, या फिर समय की परवाह है तो सस्ते में कुली सोचना भी गुनाह है। कमाई बेशक मेहनत की होती है, लेकिन तय मेहनताना से कहीं ज़्यादा। तो स्टेशन पर कुलियों के हाथों ठगा जाना तो तय है, और ठगने ठगाने के इस खेल में ठग कुली हैं और ठगाने वाले आप और हम। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन और मनोज कुमार के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.